हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। आज हम मीठे पोहे बनाने वाले हैं। ये खासकर जन्माष्टमी के मौके पर प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। मीठे पोहे 10 मिनट से भी कम समय में तैयार हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मीठे पोहे बनाने के लिए 200 ग्राम पोहे लिए हैं। पोहों को पहले अच्छे से धो लिया है। 200 ग्राम पोहों से 2-3 लोगों का नाश्ता बन जाता है। कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी गरम करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गरम घी में कटे हुए बादाम, काजू और किशमिश फ्राई करें। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करें। ज्यादातर हम सब नमकीन पोहे बना के खाते हैं। मीठे में तो बस सेवइयां और सूजी का हलवा बनाया जाता है, पर ये मीठे पोहे अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। इन्हें छोटे बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। ड्राई फ्रूट फ्राई हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसी और मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब एक साफ कढ़ाई में आधा बड़ा चम्मच घी गरम करें। 2-3 छोटी इलायची के दाने निकाल के गरम घी में डालें। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालें। अब इसमें 100 ग्राम चीनी मिलाएं। 1/4 कप केसर भिगोया हुआ पानी डालें। पानी और चीनी को मिलाते रहें। इसे हमें गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। 200 ग्राम पोहा में 100 ग्राम चीनी डलती है। एक बात हमेशा याद रखें, हम जितनी चीनी ले रहे हैं उसकी आधी क्वांटिटी पानी मिलाएं और चाशनी तैयार करें। मीठे पोहे नाश्ते के लिए बहुत ही बढ़िया विकल्प है। चाशनी बनके तैयार है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम पोहे मिलाएंगे। अब इन्हें अच्छी तरह मिला लें। ऐसी और मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। अब फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट मिलाएं। दो तीन मिनट के लिए पोहे ढक्के पकाएं। हमारे मीठे पोहे बनके तैयार हैं। मीठे पोहों को आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी आराम से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Thank you.